सही है, बस पढ़ाई के नाम पे ये हो रहा है। और देख सकते हैं हमारे यहाँ है हमारे दोस्त नंदन नरगेश और ये हैं। गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी? तो व्हाट्सअप गाइस, और गाइस अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अब बताएं एग्जाम्स आने वाले हैं। कल से अपने प्री बोर्ड है, एग्जाम सर के ऊपर है। और मतलब क्या बताएं कि आज स्कूल का मतलब 31st है और कल एग्ज़ाम है। तो मैं सोच रहा हूँ जाने का, बिकॉज़ घर पे रह के तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ आदित्य पसंद करेगा, ये पसंद करेगा, मन नहीं लगेगा क्योंकि मैथ्स का पेपर है। तो मैंने अपना मेरा बैग ले लिया है और ये हैंकी वो तो साथ में, रुमाल बैग में दिखाता हूँ कि मैंने सिर पर क्या क्या सामान लिया है। बाकी सबको मैंने खाली कर दिया है, पूरे बैग में सिर्फ मैंने वही सामान लिए हैं जो मेरे को आज स्कूल में काम आने वाले हैं। तो लेट्स सी क्या क्या लिया है मैंने, फटाफट से देखते हैं। कि मैं कैमरा को उस तरफ कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो गाइस देख सकते हैं इतने सारे इंस्ट्रूमेंट ले जा रहा हूँ। इंग्लिश की कॉपी तो ऐसे ही मतलब एक एक्स्ट्रा के लिए, और इसके अंदर अपना टाइम टेबल भी है। मैं आपको बताऊँ, टाइम टेबल देख लो, जो भी मेरे क्लास के ब्लॉग देख रहे हो ना, जिसको टाइम टेबल नहीं मिला उसको शेयर करना, कम से कम बेचारों का पास टाइम टेबल। अरे कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये रहा गाइस, देखो ये देखो टाइम टेबल, ये रहा, ये देख सकते हैं गाइस। कल मेरा है मैथ का, फिर है 3 तारीख को हिंदी का, फिर मंडे को साइंस का है। मतलब सब में एक एक दिन की गैपिंग है, सब में एक एक दिन की गैपिंग है। और मैंने इसके अंदर रख लिखा है, और देखो एक रफ है, दो रफ है, और ये अपनी अध्ययन मैथ्स की, और ये मैथ्स की कॉपी, और ये कॉम्बॉक्स, और ये अपना बैग जो उससे अपन लेके जाने वाले हैं। तो गाइज आप लोग भी बताइए कि आपकी एग्ज़ाम कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में, और आपके हाल कैसे हैं, आपका मन लग रहा है कि नहीं पढ़ने में, कमेंट बॉक्स में सब कुछ लिख दीजिएगा। मन लग रहा है कि नहीं आज मुझे जाना चाहिए कि नहीं ये बता दो, यस और नो में बता देना कि आज मुझे स्कूल जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, ये सब तो बता दो, ठीक है। यस और नो में लिख लेना कि स्कूल जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। तो अब ये इन सबको भी मैं रख लेता हूँ अंदर, और ये कॉपी तो देख सकते हैं कितनी सारी हो चुकी है। आज मौसम भी बहुत ठंडा है, और देख सकते हैं बाहर सब, और इधर की साइड भी देख सकते हैं पूरा मौसम कितना क्लीन है। और अब हम चलते हैं अंदर, तो गाइस देखते हैं खाना खाने में क्या बना है। तो देख सकते हैं गाइस ये आलू का पराठा, जो कि मैं आधा ऐसे ही घूम फिर के आधा ख़त्म कर दिया। ये आलू का पराठा है, और इसके अंदर है अपने सब्जी, और इसके अंदर क्या है मिलके, और ये वही है जो मतलब चोखा जिससे कि पराठा बना, और ये कड़ी, कड़ी देख सकते हैं गाइस कड़ी है खाने में, और उसके बाद कड़ी है, और यहाँ पे क्या क्या है, रोटियाँ हैं, कड़ी रोटी और सब्जी। खाना भी हमने खा लिया है, कड़ी और रोटी, कड़ी रोटी खा के हम एकदम मस्त टनाटन होके बैठ गए हैं। और आप कौन सी क्लास में ये भी बताइएगा, और आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि गई हमारे तो कल से स्टार्ट हैं, तो अब पढ़ना है, और बैग भी पूरा पैक हो चुका है, अब स्कूल जाएंगे, बिकॉज अब घर पे तो इतना नहीं, पर स्कूल जाना पड़ेगा। तो अब क्या बताएं, जाना तो पड़ रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो आदित्य की तो 1 बजे छुट्टी होती है, तो वो तो स्कूल में है अभी। और इससे पहले हमने क्रिकेट का व्लॉग बनाया था आप लोगों के कहने पे, मैंने इंस्टाग्राम पे वोटिंग रखी थी, तो आप लोगों ने वोटिंग भी करा था, 30 लोगों ने यस पे किया था, 4 लोगों ने नो पे किया था। तो मैंने उसके कहने पर क्रिकेट का भी व्लॉग बना दिया था, तो उसको भी 62 लोगों ने देखा है, तो आप भी फटाफट जाके इससे पहले वाला भी व्लॉग देख लीजिएगा। हो चुकी है, और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा पढ़ाई हो रही है, बस पढ़ाई के नाम पे ये हो रहा है। और देख सकते हैं हमारे यहाँ है हमारे दोस्त नंदन नरगेश, और ये हैं आदित्य के दोस्त जयदीप मुझालदा, और आदित्य यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट कर रहा है। तो नंदन कल एग्जाम है, तो क्या कहना चाहोगे कल के एग्जाम के बारे में, अपनी कल एग्जाम है। और गाइस ये अभी एक कवर ढूंढ के लाया है, तो कवर देखो आईफोन 13 प्रो मैक्स का कवर है, कहीं पे प्रो मैक्स का कवर देख सकते हैं। तो गाइस अभी नंदन भी कोचिंग से आए, उसके अध्ययन भूल गया था तो ले गया इसके अध्ययन। और ये देखो गाइस ये इसके अध्ययन है, और ये है, और ये आदित्य देखो लिख रहा है पूरी, ये तो शाहिद पनीर मक्खन लिखा हुआ। अरे तो मतलब इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिए दूसरे दूसरों उनकी, और आदित्य देखो लिखने में बिजी है, एकदम लिखने में ही बिजी है।
करते हैं यार, सब लोग चाह चुके हैं। अब सिर्फ आदित अपना मोबाइल चला रहा है। आदित तेरे भी टेस्ट चल रहा है ना? हाँ तेरे भी टेस्ट चल रहा है ना, मोबाइल देखेगा? तो गाइस देख सकते हैं ये तो मोबाइल चला रहा है। तो भाई इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और कुछ कहना चाहता है आदित? अच्छा तो भाई इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो चोखा था वो हमारे भोजपुरी की भाषा है, मतलब हम गोरखपुर में हमारे यहाँ वही बोलते हैं लिट्टी चोखा, तो उसी के नाम से वो चोखा फेमस है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। शेयर योर फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके तो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।